हेलो फूडीज। तो आज हम बनाएंगे चिकन का अचार, जो कि सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है और परांठों के साथ खाने में तो सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है, स्वादिष्ट भी होता है। तो चलिए आके वीडियो में देखते हैं कैसे बनता है ये और इसकी क्या रेसिपी है। तो सबसे पहले लेंगे 250 ग्राम चिकन, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और हाँ, चिकन के बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। हर एक पीस पे अच्छे से मसाला लग जाए तो हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे बिल्कुल अच्छे से मिलाकर कम से कम 30 मिनट के लिए रख देंगे। 30 मिनट के लिए तो कम से कम रखेंगे ही। और अब ये 30 मिनट बाद बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है, अच्छे से इस पे मसाला लग चुका है हर जगह, तो बिल्कुल ये पकाने के लिए तैयार है। तो अब हम सब बिल्कुल लो आंच पर 2 चम्मच तेल डालेंगे कढ़ाई में, 2 बड़ी चम्मच तेल डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी, 4 लौंग और 6 से 7 काली मिर्च। ये क्या, लौंग, तेज पत्ता, काली मिर्च और दालचीनी। तो अब हम सभी गरम मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए तड़कने देंगे। याद रहे बिल्कुल भी धनिया, प्याज, गीली चीज कोई भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसे स्टोर भी करना है। तो ये देखिए तड़क गया है खड़े मसाले सारे। अब हम इसमें अपना चिकन डाल देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाएंगे पूरा अचार, तो अच्छे से हिला लेंगे अब हम इसे। अब इसे बिल्कुल धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। अच्छे से हिला लेंगे एक बार और अब हम इसे पकने के लिए ढककर रख देंगे। अब हम इसे ढककर पकने के लिए रख दिया है और 10 से 15 मिनट बाद देखेंगे। तो देखिए हमारे चिकन ने पानी छोड़ दिया है बिल्कुल। तो अब हम इसे एक बार अच्छे से हिला लेंगे और फिर से इसे पकने के लिए ढककर रख देंगे। और 15 से 20 मिनट बाद देखिए अब इसका बिल्कुल अच्छे से पानी सूख चुका है, बिल्कुल अच्छे से पानी सूख चुका है। और इसे एक पीस को हम तोड़ के भी देख लेंगे और ये पूरा अच्छे से पक चुका है। ये देखिए पीस भी अच्छे से टूट रहा है। तो आप भी बनाइए और ये बनकर बिल्कुल रेडी है और आप इसे 10 से 12 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और जब आपकी इच्छा हो तब आप इसे थोड़ा सा गर्म करके और खा सकते हैं। तो ये हमारा अचार, चिकन का अचार बनकर रेडी है। तो आप भी बनाएं और इसे सुबह परांठों के साथ खाएं तो बहुत ही मजा आ जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय और खाते रहिए, खिलाते रहिए।